अभी हम आ गए जी इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उनके मज़ार पर हम यहाँ आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं और थोड़ी देर में अंदर हम जाएंगे और ज़्यादा यहाँ पे दसवें इमाम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया गया, उन्होंने हिजरत की और यहाँ तशरीफ लाए। आपके साथ आपके फर्जन हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी थे जो कि यहाँ पे फिर उनकी रिहाइश रही। उसके बाद उनकी शहादत के बाद दोनों शख्सियात की वो यहीं पे उनका जो है उनको उनकी बॉडी को दफन किया गया। और ये जहाँ पे दफन हैं दोनों आइमा, ये उनका घर था दसवें इमाम अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ ज़ियारत में हज़रत बीबी नरगिस खातून इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वालिदा भी हैं, साथ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खुफी हैं हकीमा खातून जो कि अपने ज़माने की बहुत ही जाहिदा और बहुत ही मुत्तकी और बहुत बड़ी आलिमा खातून थी। ये चार मज़ार जो हैं वो एक ही जगह पर हैं। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे वो पॉइंट भी है जहाँ पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उसके बाद फिर नज़र नहीं आई। ग़ैबत सुग़रा शुरू हुई फिर वो ज़ाहिरा कन्वर्ट हो गई ग़ैबत कुबरा में। वो ईरान इराक में एक कल्चर है सदियों से, यहाँ मौसम के हवाले से एक अंडरग्राउंड बनाते हैं जिसको सरदाब कहते हैं। तो वो सरदाब यहाँ पर था के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये सामने रमजान का मुबारक है। हम ज्यारत करेंगे इधर
منزل اینا بوده، مسجد
اهله اشاره گوش بدید با معرفت مسجد سهله خونه امام صاحب اهله های های سائنسز جو انہوں نے اپنے زمانے میں پڑھائی اتنا زیادہ انہوں نے ایجوکیٹ کیا کہ ان کا نام ہی ادریس ہو گیا یعنی درس دینے والا. ایون جو پوری دنیا کے اندر سٹی ٹاؤن اینڈ پلاننگ کی جو ایجوکیشن ہے پہلا آدمی حضرت ادریس تھے. یعنی انجینئرنگ کے حوالے سے بھی جس آدمی نے پہلی مرتبہ دنیا کو بتایا کہ شہر کیسے بناتے ہیں تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. لہٰذا ایک بزرگ بڑے عظیم الشان نبی کا مقام. آگے چلتے ہیں اسی طرح تھوڑا تھوڑا. محراب الامام مہدی علیہ السلام. تعالوا